कितने शिक्षक हैं सर आप लोग? तीन शिक्षक हैं। तीन शिक्षक हैं। बताइए सर आज कहाँ बैठे हैं? बोला देखिए यहाँ पहला आकस्मिक अवकाश में है मैडम जो प्रधान अध्यापक हैं। अच्छा। शिव कुमार हम हैं, ब्रजेश जी देखिए। बच्चों को सिर्फ मध्याह्न भोजन के द्वारा खाना खिलाया जा रहा है कि शिक्षा भी दिया जाता है? सर शिक्षा भी दिया जाता है सर, ऐसा थोड़ी है। खाना तो खिलाया जाता है, मिड डे मील है वो सरकार द्वारा। सरकारी स्कूल बदनाम फिर क्यों है सर? जितने भी बीपीएससी शिक्षक आए हैं जी सर, उन लोग तो नियोजित शिक्षा को वैल्यू नहीं देना चाहते। ऐसा बात नहीं है सर, अब बीपीएससी में हम लोग का भागलपुर हो गया, हम नहीं गए, इसका मतलब है कि हमको शिक्षक नहीं है। के पाठक सर सही कर रहे हैं? जी हाँ एकदम सही कर रहे हैं। बहुत सारे शिक्षक तो विरोध किए थे। गलत बात है, विरोध नहीं, बहुत आप लोग तो बहुत विरोध किए थे कि काम ले रहा है ये। एग्जाम एग्जाम दे के सर हम लोग जानते हैं 150 में 140 नंबर ला रहा है। तो सारे लोग नियोजित शिक्षक पे उंगली उठाते हैं, कौन को तो कुछ पता ही नहीं चलता, उनको कुछ जानकारी ही नहीं है। ठीक है, और बीपीएससी शिक्षक वाले जो भी आए हैं उनको बहुत नॉलेज होता है। मैंने बहुत सारे बीपीएससी शिक्षक को टेस्ट किया, कितना नॉलेज है वो मेरे चैनल पे आप लोग देखने का प्रयास कीजिए। नियोजित शिक्षक जी बच्चे को अच्छी शिक्षा दे रहा है सर? बिल्कुल नहीं, तो मिल रहा है सर, टाइम पास हो रहा है? नहीं सर। आप शिक्षक का क्या कर्तव्य होता है सर? शिक्षक का कर्तव्य है बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना। आप लोग दे रहे हैं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा? हाँ सर, प्रयास तो है। हम तो ऐसा नहीं कह रहे हैं कि हम भगवान उठ के आ गए हैं कि किसी बच्चा को एकदम हम भगवान बना देंगे। लेकिन नेता का बेटा पढ़ता है सरकारी स्कूल में? अब ये बात तो सर हमसे नहीं पूछिए, नेताजी से पूछिए कि उनको बच्चा कहीं नहीं पढ़ता है सरकारी विद्यालय में। कि सरकारी स्कूल है, इस लोग को पढ़ाई उड़ाए नहीं होता है, सिर्फ खिचड़ी दिया जाता, खिचड़ी क्या हकीकत है सर? और गरीब के बच्चे जो है वो छलांग लगाना चाहते हैं, लेकिन छलांग कैसे लगाएंगे? आप लोग जैसे शिक्षक होंगे जो बच्चे को अच्छी शिक्षा देंगे, वो बच्चे अच्छे नॉलेज प्राप्त करेंगे और लंबी छलांग लगाएंगे कि पूरे भारत में जो बिहार है सर, बिहार में शिक्षा की स्थिति सबसे नीचे है सर, जमीन पे जमीन है सर, उसमें गया जिला भी है। कितने शिक्षक हैं सर आप लोग? तीन शिक्षक हैं। तीन शिक्षक हैं। बताइए सर आज कहाँ बैठे हैं? बोला देखिए यहाँ पहला आकस्मिक अवकाश में है मैडम जो प्रधान अध्यापक हैं। अच्छा। शिव कुमार हम हैं, ब्रजेश जी देखिए यहाँ पे दिखाइए। किरण कुमारी है जो प्रभारी प्रधान अध्यापक मैडम है, किरण कुमारी, उनका लिखा हुआ CL आकस्मिक अवकाश। और है एक है शिव कुमार, आप है सर? जी सर। और एक शिक्षक है ब्रजेश कुमार, ठीक है, इन लोग का अटेंडेंस बना हुआ है। इन लोग तीन शिक्षक है। एक बात बताइए सर, बच्चों को सिर्फ मध्याह्न भोजन के द्वारा खाना खिलाया जा रहा है कि शिक्षा भी दिया जाता है? सर शिक्षा भी दिया जाता है सर, ऐसा थोड़ी है। खाना तो खिलाया जाता है, मिड डे मील है वो सरकार द्वारा। तो सरकारी स्कूल बदनाम फिर क्यों है सर? अब स्कूल बदनाम क्यों है सर, इसका आप मीडिया हैं, आप तो समझ रहे हैं। स्कूल बदनाम लोगों द्वारा किया गया है, हम लोग तो बच्चों को जब से आए हैं तब से अच्छा शिक्षा देने का, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का हम लोग का प्रयास है, अब दे रहे हैं। एक बात बताइए सर, जी सर, जितने भी बीपीएससी शिक्षक आए हैं जी सर, उन लोग तो नियोजित शिक्षक को वैल्यू नहीं देना चाहते? ऐसा बात नहीं है सर, अब बीपीएससी में हम लोग का भागलपुर हो गया, हम नहीं गए, इसका मतलब है कि हमको शिक्षक नहीं है, हैं? बहुत दूरी के करीजन रहने के कारण बहुत टीचर नहीं गया, हम लोग का लोकल थे, हम लोग सोचे लोकले रहेंगे, आज हम लोग विशिष्ट शिक्षक में नियोजित। पूरे बिहार में, पूरे बिहार में जितने भी लोग हैं, चाहे जो विभागीय लोग हो या फिर ग्रामीण लोग, सारे लोग नियोजित शिक्षक पे उंगली उठाते हैं, कौन को तो कुछ पता ही नहीं चलता, उनको कुछ जानकारी ही नहीं है। ठीक है, और बीपीएससी शिक्षक वाले जो भी आए हैं उनको बहुत नॉलेज होता है। मैंने बहुत सारे बीपीएससी शिक्षक को टेस्ट किया, कितना नॉलेज है वो मेरे चैनल पे आप लोग देखने का प्रयास कीजिए। आपको क्या लगता है सर कि नियोजित शिक्षक में ज्यादा क्वालिटी है या फिर बीपीएससी शिक्षक में? सब शिक्षक सामान्य है, सभी शिक्षक एक समान है, सरकार के कैटेगरी के आधार पर सारे शिक्षक द्वारा मानदंड तैयार किया गया है, जिसका जब बहाली हुआ उसके आधार पर शिक्षक आए हैं। सरकार 2006 में मार्क्स बेसिस लाया, 2022 में ट्रेनिंग और टेट लाया, 2011-13 में हम लोग 2022 में टेट और ट्रेनिंग। एक बात बताइए सर, आज बीपीएससी द्वारा एग्जाम लिया गया है तो आज एग्जाम द्वारा आ जा रहे हैं, हर शिक्षक पर उंगली उठाना अच्छा बात नहीं है। एक बात बताइए सर, शिक्षक का क्या कर्तव्य होता है सर? शिक्षक का कर्तव्य है बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना और अपने विद्यालय में जो भी बच्चे हैं उसको शिष्टाचार सिखाना, मुख्य रूप से शिष्टाचार और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। आप लोग दे रहे हैं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा? हाँ सर, प्रयास तो है। हम तो ऐसा नहीं कह रहे हैं कि हम भगवान उठ के आ गए हैं कि किसी बच्चा को एकदम हम भगवान बना देंगे, लेकिन सरकारी स्कूल में किसके बच्चे पढ़ते हैं?
सरकारी स्कूल में ज्यादातर लोग गरीब गुरुवर्ग के बच्चे पढ़ते हैं। गरीब गुरुवर्ग के बच्चे, हाँ। दोहरा नीति क्यों होता है सर कि प्राइवेट स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं वो कुछ ज्यादा ही तेज होते हैं और सरकारी स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं उनको उतना नॉलेज नहीं हो पाता सर, कंपैरिजन हमेशा ऐसा नहीं है सर, ऐसा आप लोग सोच रहे हैं, ऐसा नहीं है। सरकारी स्कूल के बच्चे, सर एक बात बताइए सर, नेता का बेटा पढ़ता है सरकारी स्कूल में? अब ये बात तो सर हमसे नहीं पूछिए, नेताजी से पूछिए कि उनको बच्चा काहे नहीं पढ़ता है सरकारी विद्यालय में। वो तो हमसे अच्छा आप नेताजी से पूछिएगा ना कि आपका बच्चा काहे नहीं पढ़ता है। इसलिए लोग नहीं पढ़ाना चाहते हैं सर कि सरकारी विद्यालय का मोनोपोली ये हो गया, लोगों की नजर में हो गया कि सरकारी स्कूल है, इसमें कोई पढ़ाई उढ़ाए नहीं होता है, सिर्फ खिचड़ी दिया था खिचड़ी। क्या हकीकत है सर? हकीकत तो लोगों द्वारा है, लेकिन हकीकत ये है कि सरकारी विद्यालय में सरकार द्वारा जो अब शिक्षकों की बहाली इतना भारी मात्रा में कर दिया गया है कि प्राइवेट से अच्छे शिक्षक हमारे विद्यालय में हैं, लेकिन लोगों का दिखाई दे रहा है, दिखाई देगा तो समय आएगा, धीरे धीरे सब सुधार हो रहा है और सरकार द्वारा बहुत अच्छा दिया गया है कि आज हम लोग 9 से 5 विद्यालय जो चलाया जा रहा है। सरकार आज गर्मी का समय है सर, सरकार आज हम लोग का ग्रीष्म ऋतु में 6:30 बजे से 11:30 बजे तक होता था, हम 2 साल से हैं शिक्षक, 6:30 से 11 होता था, आज 9 से 5 चल रहा है। सरकार चाह रही है इसे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे स्कूल में टाइम दें और ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा अर्जित करें। आप लोग के पाठक सर का आदेश फॉलो कर रहे हैं, आप माननीय मुख्यमंत्री जो है नीतीश कुमार जी उनका आदेश फॉलो कर रहे हैं? नहीं नहीं, हम लोग तो शिक्षा सचिव हैं के पाठक, हम लोग का उनका आदेश पालन करना होता है, समझे? हम लोग के पाठक सर सही कर रहे हैं? जी हाँ, एकदम सही कर रहे हैं। बहुत सारे शिक्षक तो विरोध किए, गलत बात है, विरोध नहीं, बहुत आप लोग बहुत विरोध किए थे कि काम ले रहा है ये, एग्जाम दे के सर हम लोग जानते हैं 150 में 140 नंबर ला रहा है, तो आप लोग डर काहे रहे थे फिर? काहे डरेंगे, हम लोग तो सबने सपोर्ट किए सर। पटना में धरना प्रदर्शन किए? देखिए पटना में धरना प्रदर्शन किए, एक संघ का अलग होता है, सिस्टम होता है, संघ का एक मानदंड था, उसको लोग फॉलो किया, कुछ लोग नहीं किया, लेकिन आज देखिए 3.5 लाख शिक्षक में 2 लाख शिक्षक एग्जाम दिए, 2,23,000 जिसमें 1,99,000 पास किए, समझे? वो भी डिस्ट्रिक्ट मिल गया, कम से कम 90% शिक्षक का अपना डिस्ट्रिक्ट मिल गया, इससे अच्छा और क्या हो सकता है? अब मेरा राजकर्मी का दर्जा सरकार दे रही है सर, आप समझिए, राजकर्मी का दर्जा दे रही है और सरकार द्वारा इतना अच्छा योजना चलाया जा रहा है ग्रेड पे, आज हम लोग दिल्ली बम्बई लोग कमा रहा है, आज हम लोग का रेलवे में बहुत लोग हैं जो 2200-1800 पे ग्रेड पर बहाल है, आज सरकार द्वारा 2500 पे ग्रेड दिया जा रहा है, तो हम लोग को तो कहीं पढ़ा पाएंगे। अब आप लोग सरकार से और के पाठक जो अपर मुख्य सचिव है शिक्षा विभाग के, उन लोग से खुश हैं? एकदम खुश है, कोई दिक्कत भी? कोई दिक्कत नहीं है। तब मेरा आप लोग से निवेदन है सर, जी सर, निवेदन मेरा ये है सर कि आप लोग जो भी मेहनत कर रहे हैं, आप लोग सर 9 बजे तक स्कूल आते हैं, 5 बजे आते हैं, आप लोगों को तो समय पूरा समय चला जाता है सर, क्योंकि आपका ड्यूटी है, उसके लिए सरकार आपको सैलरी दे रही है, और जो सरकार सैलरी दे रही है ना सर, वो आम जनता के पैसे होते हैं, उसी सरकार आपको सैलरी दे रही है, और जो इस स्कूल में बच्चे जो पढ़ने आते हैं वो गरीब के बच्चे होते हैं, और गरीब के बच्चे जो हैं वो छलांग लगाना चाहते हैं, लेकिन छलांग कैसे लगाएंगे? आप लोग जैसे शिक्षक होंगे जो बच्चे को अच्छी शिक्षा देंगे, वो बच्चे अच्छे नॉलेज प्राप्त करेंगे और लंबी छलांग लगाएंगे और अपने माता पिता घर परिवार समाज राज्य देश सबका विकास में अहम भागीदारी निभाएंगे, अहम हिस्सा निभाएंगे। आज सर हम इसी विद्यालय के विद्यार्थी हैं, अब इसी विद्यालय में पढ़ा रहे हैं, इससे अच्छा सौभाग्य क्या हो सकता है मेरे लिए? हम इसी विद्यालय के विद्यार्थी रहे हैं और इसी विद्यालय में शिक्षक भी हैं, हम दूसरा जगह भी पढ़ा सकते थे, जा सकते थे, लेकिन हमने यही सोचा कि मेरा गांव का घर का विकास हो। आप आइए, आपका क्या नाम हुआ सर? जी ब्रजेश कुमार, बीपीएससी शिक्षक है? नहीं सर, हम लोग 6ठे चरण में दोनों ने साथ में ही आए, नियोजित शिक्षक जी। बच्चे को अच्छी शिक्षा दे रहा है सर? बिल्कुल मिल रहा है सर, टाइम पास हो रहा है? नहीं सर, आप यानी बच्चे से भी यानी कुछ यानी कर सकते हैं? वो तो मैं कर लूंगा सर, लेकिन इसके एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ सर, कि इसमें टीचर के साथ साथ गार्जियन का भी भागीदारी होना चाहिए, बच्चे को यानी कि अगर अच्छे यानी क्वालिटी चाहिए तो गार्जियन का भी बहुत जरूरी होता है। ये माहौल पैदा हो चुका है कि जो सरकारी स्कूल के जो शिक्षक होते हैं और जो सरकारी स्कूल होता है उसमें सिर्फ खिचड़ी मिलता, शिक्षा नहीं मिलता सर, ऐसा लोगों का नजरिया है सर, क्यों आखिर सर नजरिया हो गया?
प्राइवेट स्कूल के प्रति ऐसा नजरिया क्यों नहीं है? देखिए ऐसा ये पहले का ये नजरिया था सर, लेकिन अब धीरे धीरे उसका जब से यानी कि जो जो टीचर की बहाली कम्पटिटिव हो गई है, कंपटीशन से जो भी टीचर आ रहे हैं, जैसे हम लोग का यानी छठे चरण से उस समय से सब कंपटीशन से ही आ रहे हैं। पिछले में पहले यानी कि क्या था वो तो हम नहीं बता सकते उतना क्लियर, क्योंकि हम लोग 2022 की बहाली किए, लेकिन उस समय से आप यानी कि बच्चे के क्वालिटी भी आप देख ही सकते हैं उसमें बहुत यानी पहले की अपेक्षा बहुत डिफरेंट हुआ है। ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ है सर। एक मिनट आप जाइए, एक बात आप लोग दोनों शिक्षक बताइए सर, आप वादा कर सकते हैं सर? क्या वादा कीजिएगा सर? एक वादा करना सर। हाँ बोलिए ना सर। एक वादा ये कीजिए सर कि जिस तरह से आप चाहते हैं कि हमारे घर के बच्चे पढ़े और जीवन में आगे बढ़े, क्या जो गरीब के बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं उनको आप अच्छी शिक्षा दे के आगे बढ़ाने का भरपूर प्रयास करेंगे, ये वादा कर सकते हैं सर? मेरे विद्यालय में 5 क्लास के 4 बच्चे हैं, 4 6 बच्चे, 6 बच्चे में 4 बच्चों का नवोदय का हम लोग स्पेशल तैयारी करवा रहे हैं। नवोदय स्पेशल तैयारी करवा रहे हैं, बुक अपने से खरीदे हैं सर, समझे, अपने से खरीद के स्पेशल तैयारी करवा रहे हैं। उन लोग 3 क्लास से हम लगा दिए उसमें, 3 क्लास उससे लगा दिए। हम लोग चाह रहे हैं कि जब तक हम लोग रहें तब तक एक बच्चा नवोदय में निकल जाए, मेरा यही मनसा है। अब देखिए आगे वाला समय बताएगा, लड़का का मेहनत बताएगा, हम लोग तो प्रयास कर रहे हैं। आप क्या बोलना चाहते हैं जी? हम लोग यानी उसी का तैयारी वो बिल्कुल करवा रहे हैं सर। हम लोग यानी जैसे अभी सक्षमता हम लोग यानी पास कर चुके हैं, तो लगभग हम लोग यानी 2 महीना या अप्रोक्स 2 या 2.5 महीने के आसपास हम लोग यहाँ और यानी कि लगता है सरकार की इच्छा के अनुसार रह सकते हैं। उसके बाद तो सरकार कहाँ भेजेगी वो तो सरकार पे डिपेंडेंट है, लेकिन जब तक चाह रहे थे कि सब टाइम थोड़ा और मिले इस विद्यालय में, लेकिन लगता है नहीं मिल पाएगा। लेकिन आप लोग कहीं भी जाइएगा सर, ईमानदारी पूर्वक मेहनत कीजिए सर, बच्चों को हम लोग मेहनत करके आए हैं यहाँ पर। इसलिए बता रहा हूँ सर कि पूरे भारत में जो बिहार है सर, बिहार में शिक्षा के स्तर सबसे नीचे है सर, जमीन पे जमीन है सर। उसमें गया जिला भी है, हम लोग ट्रेनिंग में बताया गया है कि गया जिला का जो रेशियो है, आज जो एफएलएन का ट्रेनिंग दिया जा रहा है सरकार द्वारा, इसमें गया जिला का सबसे नीचे रेशियो है। हम लोग का प्रयास है कि ऊंचा उठाया जाए, लेकिन इसमें गार्जियन का सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। आज गार्जियन का सर क्या होता है, अगर चावल बच्चों का खाना नहीं मिला आ जाएंगे, एजुकेशन नहीं मिला इसके लिए नहीं आएंगे। हम लोग प्रयास किए लेकिन बच्चों और गार्जियन का सपोर्ट नहीं मिल पाया, समझे सर, लेकिन हम लोग तो प्रयास में हैं। दिखाने का प्रयास कीजिए पूरे बिहार में जो सरकारी स्कूल है उसका लोगों के लिए मेंटेलिटी ये बन चुका है कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं मिलता है, शिक्षा नहीं मिलती है, सिर्फ खिचड़ी मिलता है। लेकिन ये जो शिक्षक हैं, इन जैसे जो शिक्षक हैं, ये लोग इन लोगों का कहना है कि हम लोग तो मेहनत करते हैं, गार्जियन लोग का भी सपोर्ट नहीं मिल पाता इसीलिए हम लोग अच्छी शिक्षा नहीं दे पाते, लेकिन हम लोग का भरपूर प्रयास रहता कि हम लोग बच्चों को शिक्षा दें और उनको आगे बढ़ाने का प्रयास करें। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि इस तरह का जो भी शिक्षक है, चाहे जो शिक्षक स्कूल तो आते हैं लेकिन बच्चों को शिक्षा नहीं देते हैं, वो लोग आप लोग भी अपने कर्तव्य को अपने जिम्मेदारी को समझने का प्रयास कीजिए और बच्चे को शिक्षा देने का भरपूर प्रयास कीजिए। आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको भी सर। थैंक यू सर।